उसने हमारे इतने बेइज्जती किया है कि खुदा का कसम हम तुमको बता नहीं सकता। अभी तक हमारा ऐसा मीटर घूम रहा है। वह हम तो ताना खरीद लेकर थोड़ा समारा जेब में। ये लड़की क्या बेचते है? उसका दिमाग बहुत हवा में उड़ रहा है, पर काटना पड़ेगा। हमारा गैरत का सवाल है, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, वो जल्दी हम हिसाब बराबर कर दे। कोई मसला ही नहीं है, चार आदमी भेजेगा उसको ऐसा उठाएगा, ऐसा उठाएगा। हमारा नजर जमीन पे है और तुम्हारा नजर मरियम पे, बस यू समझो दोनों चीज हमारा है। उसका फिर तुम गुरूर तो देखो। मर्द का मुख्य म्यान खतियर है और अज्जत का गुरूर बहुत नुकसान पहुंचाता है। नुकसान तो समझो हो गया उसका के मुखाना, किसी भी दिन उसको अपना घर में लेकर आएगा, बकरी की तरह उसको हम रस्सी के साथ बांधेगा, एक उसको हम छत देगा, दो वक्त का रोटी, सर्दी गर्मी का कपड़ा और खलास। अब तुम ही बताओ कि शाम के वक्त कौन सा कॉलेज खुलता है। पीटर जैनी के साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अगर मैं खुद पर्सनली उसे ना मिली होती तो मैं ये बात यकीन से नहीं कह सकती थी, मगर ये बात तो जैनी को समझ ही नहीं आई। पीटर बहुत फेक, बहुत ही बकवास लड़का है। अब तो मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है। जानती हो, तुम्हारी बहन जैनी को वही तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। क्या मतलब? सिस्टर, तुम पीटर से नहीं मिली? मिली थी, क्यों? जानती हो, उसने जैनी से कहा है तुम्हारी बहन मरियम कहती है कि वो उससे ना मिले। शादी का ख्याल तो दिल से ही निकाल दे। एक नंबर का झूठा लड़का ये, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की उससे। मगर जेनी तो उसी की बात कर यकीन करती है। इसी बात का तो दुख है कि वो मुझे अपना दुश्मन समझती है, हालांकि माइकल और मम्मी के सामने उसके लिए मैं ही खड़ी होती हूँ। मेरा बस चले तो मैं अपनी बहन को गर्म हवा ना लगने दूँ, मगर ये झूठा लड़का मेरी बहन को मोहब्बत के दाम में फंसा कर उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मगर ये लड़का ना जाने क्या क्या करेगा मेरी बहन के साथ, उसी को समझ नहीं आ रही।